नव क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे चेंजिंग एनवायरनमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट और इम्पॉर्टेंट ट्रेंड्स क्या हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और उसके साथ एक बेल है, उसे क्लिक करने से आपको सभी नोटिफिकेशन आपकी ईमेल आईडी में मिल जाएंगी। तो फर्स्टली हम डिस्कस करते हैं चेंजिंग एचआर एनवायरनमेंट। एचआर एनवायरनमेंट कैसे चेंज होता जा रहा है, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन के टाइम पे ग्लोबल लेवल पे एचआर एनवायरनमेंट पहुंच गया है, एचआर मैनेजमेंट पहुंच गया है। टेक्नोलॉजिकल चेंजेस भी बहुत सारे होते जा रहे हैं। टेक्नोलॉजिकल इतनी एडवांस हो गई है कि अब जॉब को करने के और अदर मैथड्स भी आ गए हैं और जॉब को एचआर पर्सन्स और उनके एम्प्लॉयज़ बहुत ज़्यादा अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, तो एक्सपोर्टिंग जॉब्स को एक्सपोर्ट भी किया जाता है और जो काम करने का नेचर है वो चेंज होता जा रहा है। ठीक है, तो वर्क फोर्स डेमोग्राफिक्स में एम्प्लॉयज़ वर्क कर रहे हैं विद इन स्टेट से, कंट्रीज़ में और पूरी वर्ल्ड वाइड। तो वर्क फोर्स डेमोग्राफिक भी बहुत बड़ा होता जा रहा है, चेंज होता जा रहा है। तो एक कंपनी में बाहर से एम्प्लॉयज़ आते हैं और एक स्टेट के एम्प्लॉयज़ बाहर जाते हैं, तो डेमोग्राफिक बिल्कुल चेंज होता जा रहा है। तो एचआर एनवायरनमेंट बिल्कुल आज की डेट में चेंज होता जा रहा है, प्रोग्रेसिव होता जा रहा है। ठीक है, तो अब हम डिस्कस करते हैं कि इम्पॉर्टेंट ट्रेंड्स क्या हैं एचआरएम के। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट एक बहुत इम्पॉर्टेंट ट्रेंड है एचआरएम का। जैसे कि हम देखें स्ट्रेटेजिक प्लानिंग क्या होता है, कंपनीज लॉन्ग टर्म प्लान, कंपनी का लॉन्ग टर्म प्लान फॉर हाउ इट विल बैलेंस इट्स इंटरनल स्ट्रेंथ, कि वो कैसे अपनी इंटरनल स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को बैलेंस करेंगी विद एक्सटर्नल अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट। बाहर के एक्सटर्नल अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेड के साथ कंपनी अपने लॉन्ग टर्म प्लान कैसे बनाएंगे और कैसे एडजस्ट करेंगे और बैलेंस करेंगे टू मेंटेन कम्पिटिटिव एडवांटेज, ताकि कंपनी के कम्पिटिटिव एडवांटेज मेंटेन रहे। उनके कंपटीटर्स के बदले अब कंपनी अपने अंदर ऐसे चेंजेस लाए कि अपनी इंटरनल स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को समझते हुए एक्सटर्नल अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेड को डील कर सके। ठीक है, तो यहाँ पर 3 क्वेश्चन राइज होते हैं। 3 क्वेश्चन इन स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, करंट बिजनेस पोजीशन, कि आज की डेट में बिजनेस कैसा है, करंट बिजनेस पोजीशन, फिर फ्यूचर बिजनेस पोजीशन एक्सपेक्टेड टू बी, फ्यूचर में बिजनेस क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है बिजनेस से, कि फ्यूचर में बिजनेस कैसा होना चाहिए, हाउ टू गेट टू एक्सपेक्टेड फ्यूचर बिजनेस पोजीशन, कि हम जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि फ्यूचर में बिजनेस को इस लेवल तक पहुंचना है, वहां तक कैसे पहुंचा जाए। तो ये 3 टाइप के क्वेश्चंस अराइज होते हैं जिसके लिए स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को इंटरफेयर करना पड़ता है। और किसकी बात आती है, स्ट्रेटेजिक एचआरएम की। अब स्ट्रेटेजिक एचआरएम क्या होता है, फॉर्मुलेटिंग एचआर पॉलिसीज़ को फॉर्मुलेट किया जाता है, उनको इंट्रोड्यूस किया जाता है, प्रैक्टिस करवाई जाती है उन पॉलिसीज़ की। इट मीन्स एम्प्लॉयज से वो पॉलिसी इंप्लीमेंट करवाई जाती है। इंट्रोड्यूसिंग प्रैक्टिसेस दैट प्रोड्यूस स्टाफ कॉम्पिटेंसेस, जो कि जो हमारे स्टाफ है उसकी कॉम्पिटेंसेस को और निखारते हैं, उनके बिहेवियर को निखारते हैं। दैट प्रोड्यूस स्टाफ कॉम्पिटेंसेस एंड देयर बिहेवियर दैट द कंपनी नीड टू अचीव इट्स स्ट्रेटेजिक गोल्स, कि कंपनी को उसके लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक गोल्स को अचीव करना है, उसके लिए अपने एम्प्लॉयज़ की, स्टाफ की कॉम्पिटेंसीज को और बिहेवियर्स को प्रोड्यूस किया जाता है उस डायरेक्शन में। ठीक है, फिर बात आती है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। आज की डेट में एचआर मैनेजर ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं और पार्टनर होते हैं टॉप मैनेजर के साथ। टुडे एचआर मैनेजर्स आर मोर इन्वॉल्व्ड in partnering with their top managers in both their designing and implementing their strategies. Okay, तो टॉप मैनेजर्स ने जो भी डिज़ाइन किया है और उनको कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए, स्पेशली एम्प्लॉय से कैसे इम्प्लीमेंट करवाया जाए, एचआर मैनेजमेंट उसके लिए ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हैं और टॉप मैनेजर्स के साथ ज़्यादा इन्वॉल्व हैं एज अ पार्टनर। ठीक है, टॉप मैनेजर वॉन्ट टू सी प्रिसाइजली हाउ एचआर मैनेजर प्लान विल मेक कंपनी मोर वैल्यूएबल। टॉप मैनेजर चाहते हैं कि उनको एक प्रिसाइजली पता चले कि एचआर मैनेजर के जो प्लान है वो कैसे कंपनी के लिए ज़्यादा वैल्यूएबल हो सकते हैं और कैसे कंपनी को उनके स्ट्रेटेजिक गोल को अचीव करने के लिए हेल्प कर सकते हैं। तो ये आज की डेट में बहुत इंपॉर्टेंट है कि एचआर पीपल टॉप मैनेजर्स के साथ ज़्यादा पार्टनर बन के काम कर रहे हैं। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशंस इंटेंशन एंड प्लान ऑन हाउ इट्स बिजनेस गोल शुड बी अचीव थ्रू पीपल। ऑर्गेनाइजेशन की इंटेंशन होती है कि वो अपनी स्ट्रेटेजीज ऐसे प्लान करें कि कैसे बिजनेस के गोल्स को अचीव किया जाए उनके पीपल के पीपल की सहायता से, ठीक है। उनके जो एम्प्लॉयज़ हैं उनसे कैसे काम लिया जाए कि ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स अचीव हो पाए। इसके लिए 3 बेसिक प्रपोजिशंस हैं। क्या है? फर्स्टली, ह्यूमन कैपिटल इज़ मेजर सोर्स ऑफ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। अगर आपके पास ह्यूमन कैपिटल यानी कि आपके एम्प्लॉयज़, उनकी स्किल्स एंड ऑल, नॉलेज, टास्क, एबिलिटी, ये सब बहुत अच्छा है आपके कॉम्पिटिटर से, तो ये आपके लिए एक मेजर कॉम्पिटिटिव एडवांटेज बन जाता है आज की डेट में, ठीक है। सेकेंडली, दैट इट इज़ पीपल हु इम्प्लीमेंट द स्ट्रेटेजिक प्लान। वो पीपल ही हैं, वो लोग ही हैं जो कि आपके स्ट्रेटेजिक प्लान को अल्टीमेटली इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है। थर्ड, सिस्टमेटिक अप्रोच शुड बी अडॉप्टेड टू डिफाइन वेयर ऑर्गेनाइजेशन वांट टू गो। ऑर्गेनाइजेशन कहाँ जाना चाहती है, इसके लिए सिस्टमेटिक अप्रोच को अडॉप्ट करना चाहिए, एंड हाउ इट शुड गेट देयर, और वो कैसे वहाँ तक पहुँचेगी, ठीक है। तो ये हमारे 3 प्रपोजिशन हुए। फर्स्टली, हमारे ह्यूमन कैपिटल ही इतना इम्पॉर्टेंट कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है कि हमें आगे बिजनेस में सक्सेस मिल सकती है। सेकेंडली, पीपल ही हमारे स्ट्रेटेजिक प्लान्स को अल्टीमेटली इम्प्लीमेंट करेंगे। थर्डली, सिस्टमेटिक अप्रोच अडॉप्ट की जाती है कि ऑर्गेनाइजेशन कहाँ जाना चाहती है और वहाँ पर कैसे पहुँचेगी। अब हमने समझ लिया स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट और इसका इम्पोर्टेंस HRM के लिए। तो आज के डेट में ये बहुत इम्पॉर्टेंट ट्रेंड है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का। सेकेंड इम्पॉर्टेंट ट्रेंड क्या है आज की डेट में? आउटसोर्सिंग HR एक्टिविटीज़, कि HR एक्टिविटीज़ को आजकल आउटसोर्स किया जा रहा है, बाहर से वेंडर्स को दिया जाता है। कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम ईजी टू आउटसोर्स, कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम आजकल ईजी है कि उनको आउटसोर्स कर दिया जाए और बाहर की कंपनीज आपके HR एक्टिविटीज़ को एक्सेस कर रहे हैं। HR एक्टिविटीज़ बाय प्रोवाइडिंग एक्सेस टू सर्विस प्रोवाइडर्स टू द कंपनीज HR इन्फॉर्मेशन डाटाबेस। तो आजकल ह्यूमन रिसोर्स इन्फॉर्मेशन डाटाबेस को आउटसोर्स करना बहुत आसान हो गया, क्योंकि ये कंप्यूटर बेस्ड है, उनको बार बार आना भी नहीं पड़ेगा और वहीं बैठकर आपका पूरा कंट्रोल कर सकते हैं। अगर हम एग्जांपल लें तो एग्जांपल हो सकते हैं पेरोल एक्टिविटीज़, बेनिफिट्स, वेलनेस प्रोग्राम्स अगर कंडक्ट करने हैं वो भी हम आउटसोर्स कर सकते हैं अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग प्रोवाइड कराने के लिए, एम्प्लॉयज़ ट्रेनिंग। तो ये सब चीज़ें आजकल ईजिली आउटसोर्स हो सकती हैं, जिससे कि टाइम बचता है कंपनी का और कंपनी अपने मेन वर्क में ज़्यादा फोकस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट ट्रेंड है जो नाउअडेज बहुत इन है। फिर उसके बाद आ जाता है हाई परफॉर्मेंस वर्क सिस्टम। ये होता क्या है? इंटीग्रेटेड सेट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसीज़ एंड प्रैक्टिसेस दैट टुगेदर प्रोड्यूस सुपीरियर स्टाफ परफॉर्मेंस। ये एक इंटीग्रेटेड सेट है, यानी कि इसमें ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की पॉलिसीज़ और प्रैक्टिसेस को दोनों को आपस में इंटीग्रेट किया जाता है, जो कि दोनों मिलकर एक सुपीरियर स्टाफ परफॉर्मेंस बन जाती है, ठीक है। तो सुपीरियर स्टाफ परफॉर्मेंस कैसे बनेगी? यहाँ पर जो हमारा ह्यूमन मैनेजमेंट है, हमारे एम्प्लॉयज़ हैं, ह्यूमन कैपिटल है, उनको ज़्यादा पावर मिल जाती है, वो सेल्फ बेस्ड अपना सारा काम अच्छे से कर पाते हैं। नीड टू फोकस ऑन परफॉर्मेंस, उनकी परफॉर्मेंस में फोकस किया जाता है, ठीक है। तो समटाइम नॉन एज हाई इन्वॉल्वमेंट और हाई कमिटमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ओके। ह्यूमन परफॉर्मेंस वर्क सिस्टम कभी कभी हाई इन्वॉल्वमेंट और हाई कमिटमेंट ऑर्गेनाइजेशन भी बोलते हैं इसको। आर organizations that use a distinctive managerial approach that high performance through people means लोगों के थ्रू हमारी जो परफॉर्मेंस है, मैनेजरियल परफॉर्मेंस है, उसको कैसे इंक्रीज़ किया जाए, ये होता है हाई परफॉर्मेंस वर्क सिस्टम में। मेन आइडिया ऑफ HPWS इज़ टू क्रिएट एन ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड ऑन एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट। इसमें एम्प्लॉय की इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा इंक्रीज़ करती जाती है, उनके कमिटमेंट्स को बढ़ाया जाता है, उनको एम्पावरमेंट दी जाती है, एंड नॉट द एम्प्लॉय कंट्रोल। इसमें यह नहीं होता कि एम्प्लॉय को कंट्रोल करके रखा जाए, एम्प्लॉय को पावर दे दी जाती है कि उनको कमिटमेंट दिया जाता है कि हाँ हम वो ये काम करेंगे, अच्छे से करेंगे, और उनकी इन्वॉल्वमेंट को बढ़ाया जाता है, ना कि उनको बेसिकली कंट्रोल किया जाता है, ठीक है। नो फिक्स्ड रूल ऑफ आइटम दैट कंपनीज HPWS शुड वर्क ऑन। सो इसकी मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि यहाँ पर कोई फिक्स रूल नहीं है कि हाई पावर परफॉर्मेंस वर्क सिस्टम कैसे यूज़ होगा, लेकिन इसके अंदर कुछ बातें इंक्लूड होनी चाहिए, जो कि हैं एम्प्लॉय सिक्योरिटी, एम्प्लॉयज़ की सिक्योरिटी को ध्यान में रखना चाहिए, सिलेक्टिव हायरिंग, मीन्स एम्प्लॉयज़ को सही पर्सन को हायर किया जाए तभी वो अपना कमिटमेंट दे पाएंगे। अगर हम सही पर्सन को हायर नहीं करेंगे तो उनकी इन्वॉल्वमेंट वेस्ट होगी, वो हमारा काम सही से नहीं कर पाएंगे। तो सिलेक्टिव हायरिंग, एक्सटेंसिव ट्रेनिंग, उनको अच्छे से ट्रेनिंग दिया जाए, एक्सटेंसिव शेयर ऑफ फाइनेंशियल एंड परफॉर्मेंस इंफॉर्मेशन थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, नेक्स्ट टीम्स। इसमें टीम्स जो होती हैं खुद ही सेल्फ मैनेज्ड होती हैं। डिसेंट्रलाइज्ड डिसीजन मेकिंग मींस इसमें बिल्कुल सेंट्रलाइज्ड डिसीजन नहीं है कि जो मैनेजर ने बोल दिया वैसा ही करना है, आपको वही काम करना है, एक पर्टिकुलर टास्क करना है, लेकिन आप उसको अपने अकॉर्डिंग इनोवेटिव वे में कर सकते हैं। तो सेल्फ मैनेज टीम्स होती हैं और डिसेंट्रलाइज्ड डिसीजन मेकिंग होता है इसमें। ओके, रिड्यूस स्टेटस डिस्टिंक्शंस अमंग मैनेजर्स एंड वर्कर्स। अब इसमें हायर लेवल मैनेजर जो होता है उनका स्टेटस और वर्कर का स्टेटस, बिल्कुल इनके स्टेटस के जो डिफरेंस होता है उसको रिड्यूस कर दिया गया है कि सब मिलकर काम करेंगे, इंक्लूडिंग ड्रेस, लैंग्वेज, ऑफिस अरेंजमेंट, वेज डिफरेंसेस अक्रॉस द लेवल। ओके, इन्फॉर्मेशन शेयरिंग अमंग मैनेजर्स। इन्फॉर्मेशन शेयर आराम से आप कर सकते हैं क्योंकि ये सेल्फ बेस्ड सिस्टम है। पे फॉर परफॉर्मेंस रिवार्ड, कि आप जितना अच्छा काम करोगे आपके लिए उतनी अच्छी पे मिलेगी, आपको उतनी अच्छी सैलरीज एंड पे मिलेगी। तो इसमें पे फॉर परफॉर्मेंस रिवार्ड दिया जाता है। एम्फसिस ऑन हाई क्वालिटी वर्क, की वर्क जो हम करना चाहते हैं, टीम वर्क या इंडिविजुअल वर्क, उसकी क्वालिटी को इंक्रीज़ किया जाए, तो हाई क्वालिटी वर्क पे एम्फेसाइज किया जाता है। एक्सटेंसिव शेयरिंग ऑफ फाइनेंशियल एंड परफॉर्मेंस इंफॉर्मेशन थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन, इसमें बहुत अच्छे से फेयरली और ट्रांसपेरेंटली इंफॉर्मेशन शेयर की जाती है थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन, पूरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, चाहे वो इंफॉर्मेशन फाइनेंशियल हो या परफॉर्मेंस रिलेटेड हो। अब हम बात करते हैं कि परफॉर्मेंस सुपीरियॉरिटी क्यों होती है इसमें। मैनी एम्पेरिकल स्टडीज़ स्टेट्स दैट कंपनीज दैट यूज़ एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट प्रैक्टिसेस ओवरवेलमिंग बिलीव दैट दे रिसीव सिग्निफिकेंट बेनिफिट फ्रॉम देम। बहुत सारी स्टडीज़ ने बताया है कि अगर बहुत सारी एम्पेरिकल स्टडीज़ की गई हैं जो कि ये बताती हैं कि जो कंपनीज़ एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट में ज़्यादा ध्यान रखती है कि एम्प्लॉय अच्छे से इन्वॉल्व हो टॉप मैनेजमेंट के साथ और काम करें, उनको ज़्यादा अच्छा बेनिफिट मिलता है, सिग्निफिकेंट बेनिफिट मिलता है एम्प्लॉयज़ से। द यूज़ ऑफ वाइड वेराइटी ऑफ स्पेसिफिक पावर शेयरिंग रिवार्ड, इंफॉर्मेशन शेयरिंग, ट्रेनिंग प्रैक्टिसेस इज लिंक्ड टू स्पेसिफिक द इम्पैक्ट। ओके, तो सारी प्रैक्टिसेस को ऐसा लिंक किया जाता है कि ऑर्गेनाइजेशन के गोल इजीली अचीव हो पाए, और वाकई में ये स्टडीज़ स्टेट करती हैं कि उनकी इन्वॉल्वमेंट से कंपनीज एज अ होल को प्रॉपर बेनिफिट होता है और अच्छा बेनिफिट होता है। HPWS इज़ नॉट सेम एज TQM बट टू अप्रोचेस कैन बी यूज अलॉन्ग विद ईच अदर। HPWS TQM के सेम तो नहीं है, लेकिन दोनों अप्रोचेस को एक साथ यूज़ किया जा सकता है। अगर हम ले स्टडी पी फैफर की, अकॉर्डिंग टू द स्टडी ऑफ पी फैफर, यूज़ ऑफ HPWS प्रैक्टिसेस फर्स्टली डिमिनिशेस द एम्प्लॉय टर्नओवर। इससे क्या होता है, हमने एम्प्लॉयज़ को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी, उनकी इन्वॉल्वमेंट ली, तो क्या होगा, एम्प्लॉयज़ का टर्नओवर रिड्यूस होगा, वो हमारे कंपनीज़ को जल्दी से छोड़कर नहीं जाएंगे क्योंकि अब सेल्फ सेटिस्फाइड है अपने काम में। इंक्रीज, सेकेंडली इट इंक्रीज देयर प्रोडक्टिविटी, उनकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी। अगर प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी तो क्या होगा, सेल पर एम्प्लॉय भी इंक्रीज होगी। एंड कॉर्पोरेट फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, और इनडायरेक्टली फाइनेंशियल परफॉर्मेंस जो है कंपनी की, कॉर्पोरेट फाइनेंशियल परफॉर्मेंस भी इंक्रीज होगी। स्टॉक मार्केट वैल्यू टू बुक वैल्यू, स्टॉक मार्केट वैल्यू भी इंक्रीज होगी, जैसे जो इज इन रिलेटेड टू बुक वैल्यू। तो ये बहुत अच्छा बेनिफिट है कि हम HPWS को इन्वॉल्व करें अपने मैनेजमेंट में। सो हेयर वी एंड अप विद टुडेज लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट ट्रेंड HRM का, और इसमें मेनली हम डिस्कस करेंगे कि कैसे मेज़र किया जाता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की टीम परफॉर्मेंस को मैट्रिक्स लेवल पे और स्कोर कार्ड लेवल पे। ठीक है, तो कीप वॉचिंग नव क्लासेस। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और अपने फ्रेंड्स को भी कहिए कि आकर नव क्लासेस का पार्ट बने। थैंक यू।